हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है ओट्स चीला। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये एक ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स और वेट लॉस रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं, ओट्स चीला कैसे बनाते हैं। ओट्स चीला बनाने के लिए हमें चाहिए है, यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है, 1 कप मैंने यहाँ पे ओट्स लिया है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, और इसे मैंने पीस लिया है। देखिए इस तरीके से बारीक पीस लेना है हमें, ये 1 कप है। 1/4 कप मैंने यहाँ पे मकई का आटा लिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे चावल का आटा भी ले सकते हैं। 1 कप दही लिया है मैंने, ये देखिए 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है मैंने, आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं जितना तीखा करना हो। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच तिल लिया है मैंने, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला, 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है यहाँ पे, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। यहाँ पे मैंने मेथी की भाजी ली हुई है, ये देखिए, अगर ये ना हो तो आप पालक की भाजी ले लीजिए, ये कम से कम 1.5 कप है, या 2 कप भी आप ले सकते हैं। धनिया पत्ती लिए मैंने 1/2 कप, और यहाँ पे मैंने लिया है स्प्रिंग अनियन 1/2 कप बारीक कटा हुआ, इन सबको मैंने बारीक काट लिया है। और हमें लगेगा तेल बहुत ही कम मात्रा में। तो चलिए शुरू करते हैं ओट्स चीला बनाना। तो सबसे पहले मैं एक बड़ा बर्तन लूँगी और इसमें मैं ये सारी भाजी निकाल लूँगी जो भी हमने ली है, स्प्रिंग अनियन, हरी धनिया और मेथी की भाजी, आप चाहें तो पालक की भाजी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी आटा गेहूँ का, ओट्स डाल लूँगी मैं इसमें, मकई का आटा, दही। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर डालूंगी, किचन किंग मसाला, गरम मसाला, और ये तिल डाल दिया है मैंने, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स करिए, नमक मैंने अभी नहीं डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए 1 कप पानी डाल दिया है मैंने, और अब ये 2 कप लिया है मैंने पानी, और ये देखिए अब ये 2 कप मैंने पानी डाल दिया, और इसे अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए बैटर थोड़ा सा सेट हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद के अनुसार, नमक डालने से ये पानी छोड़ता है इसलिए मैंने नमक बाद में डाला है। ये देखिए अभी गाढ़ा है, तो इसमें मैं और पानी डालूंगी, लगभग 1/2 कप मैंने पानी डाला है इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए ये, ताकि हम इसे अच्छे से फैला सकें। तो ये देखिए ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो अब हम चीला बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं तवा गरम करने रख दूंगी, और जब ये गरम हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल लूंगी 1/2 चम्मच, और उसे स्प्रेड कर लूंगी इस तरीके से, फैला लेंगे हम। और फिर उसके बाद मैं उसमें डालूंगी ये बैटर, मैंने 2 चम्मच डाला है, आप जितना पतला रखना चाहें उस हिसाब से इसे डालिए। ये देखिए इसे अच्छे से फैला लेना है, और 1/2 मिनट के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, ऑयल हमें थोड़ा ही लगाना है। और इसके बाद अब मैं इसे पलटूंगी, ये देखिए 1 मिनट बाद मैंने इसे पलट लिया है, और ये इस तरीके से दिखने लगा है। अब मैं इसे थोड़ा सा दबाऊंगी, और इस तरीके से इसे हमें पकाना होगा, और थोड़ी देर बाद फिर मैं पलट लूँगी, ये देखिए, और इसे इस तरीके से दबा दबा के आप इसे पका लीजिए। और ये देखिए रेडी हो चुका है, तो मैं इसे निकाल लूँगी, और इसे अब मैं थोड़ा सा और चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क रही हूँ, ये ऑप्शनल है। लीजिए तैयार है हमारा ओट्स चीला, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। इसे हम सर्व करेंगे कोई भी ग्रीन चटनी या सॉस के साथ। अगर आपके पास मेथी के पत्ते या पालक के पत्ते ना हो तो आप इसे स्प्रिंग अनियन और धनिया के पत्तों के साथ भी बना सकते हैं, और ये खाने में उतने ही टेस्टी और अच्छे लगेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें, और अपने फीडबैक और कमेंट्स देना भी ना भूलें।